आज मेरा खट्टे आलू खाने का दिल चाह रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं आज खट्टे आलू बना लेती हूँ, साथ में ब्लॉग भी बना लेती हूँ। रेसिपी का बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी है। सबसे पहले पतीला लेंगे, इसमें पानी डालेंगे। एक पतीले में पानी लिया है, ठीक है, और इस पानी को बॉयल होने के लिए रखते हैं, ठीक है। इस पानी में साथ में जो है मैं नमक भी डाल रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आलू में टेस्ट आ जाए। उसके बाद ये थोड़े से आलू लिए मैंने, एक घंटे में ये सारे आलू जो है वो बॉयल हो गए। अब मैं इनको निकाल के छील रही हूँ और इस पतीले को वॉश करूँगी, इसी में जो है हम खट्टे आलू बनाएंगे, ठीक है। आलू मैंने बॉईल कर लिए और सॉरी आलू मैंने छील लिए हैं, ठीक है। पतीला मैंने वॉश कर लिया है, आलू को मैंने छोटे क्यूब्स काटने, ज़्यादा छोटे भी नहीं वरना वो जब मिक्स होगा तो वो मैश हो जाएंगे बिल्कुल ना। दैट्स इट, इतने इतने काफ़ी हैं ये छोटे छोटे क्यूब्स, ठीक है। ओके, मैंने ले लिया है पतीला, ठीक है, इसको जिसको मैंने वॉश किया था, हल्का सा इसको ड्राई करेंगे। पतीला गर्म हो गया है, इसमें जाएगा हल्का सा ऑयल, एक चम्मच लेंगे, ठीक है। ऑयल गर्म हो गया है, ऑयल में जाएगा हल्का सा नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर हल्का सा, जीरा पाउडर, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, और चाट मसाला। साथ में जाएगा इमली का पल्प, हल्का सा इसमें पानी डाल के इमली को अच्छी तरीके से पकाना है ताकि इसकी खटास निकल जाए, ठीक है। तो अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी देर पकने देंगे। हल्का सा शुगर डालूंगी मैं इसमें, रेडी हो गया, ठीक है। मसाला अब हमने सिंपल इसमें जो आलू हमने बॉईल किए थे वो डाल देंगे इसमें। साथ में चम्मच चला देंगे। वेल, 10 मिनट फ्राई करने के बाद हमारे खट्टे आलू रेडी हैं। डिश आउट करके दिखाती हूँ, टेस्ट करके बताते हैं कैसे बने। थोड़े से मैंने प्लेट में डाले हैं, मुझे ट्राई करना है कैसे हैं। ठीक है।